क्योंकि रॉ मटेरियल लाओ पहले और लाइए, हजारों टन सैकड़ों टन और ला, गला गला करके साफ करके तब स्टील बनाइए, स्टील ला कर दूसरे उसमें डालिए, फर्नेस में डालिए, फिर कास्टिंग करके एलॉय बनाइए, एलॉय बना के वन टाइम कास्टिंग करके पिलर बनाइए। बट दिस वॉज द टेक्नोलॉजी इन दोज डेज। आज भी दुनिया चमत्कृत है, एलॉय है वो रस्टिंग नहीं होता, एलॉय है, केवल स्टील नहीं है। तो इतनी बड़ी फर्नेस ये बनाने वाले लोग थे। तो भौतिक उन्नति करने गए तो दुनिया के उस छोर तक चले गए। बृहस्पति की गति क्या है, शनि की गति क्या है, मंगल की गति क्या है, चंद्रमा की गति क्या है, पृथ्वी की गति क्या है, सूर्य ग्रहण कब पड़ेंगे, कब पड़ेंगे, कब पड़ेंगे, आगे 5000 साल आगे तक सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा उसको लिख करके रख देते थे। दुनिया का हर राजा इस बात से परेशान कौतूहल में आ जाता था, ऐसा कैसे हो सकता है, आप आगे का सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा लिख देंगे, हम लिख देंगे। और ऐसे दुनिया के कई राजाओं के साथ भारत के ऐसे ज्योतिष आचार्यों की चर्चा होती थी, ठीक है आगे 6 महीने बाद सूर्य ग्रहण आने वाला है, इतने स्थिति को इतने बजे पड़ेगा, अच्छा हाँ हाँ, राजा को बड़ा आश्चर्य होता था, वो अच्छा आप रहिए यहीं पर ही, हम प्रतीक्षा करेंगे। उसी दिन ठीक उसी समय सूर्य ग्रहण पड़ता था, जो बताता था उसी समय उसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ता था, दुनिया के लोग आश्चर्यचकित करते। मेरा कहने का भाव यह है, पतले से पतला धागा कपड़ा सिल्क या मलमल, बड़े कालीन सुगंधित तेल, बड़े बड़े प्राचीर वाले किले भवन मंदिर, हर क्षेत्र में उन्नति करे, ये भौतिक उन्नति थी, लौकिक उन्नति थी और ये आध्यात्मिक उन्नति थी, दोनों का सम्मिलित वह भारत है। भौतिक जगत की उपेक्षा नहीं की, लेकिन भौतिक जगत को सब कुछ नहीं माना, धीरे 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 दुनिया को लोक मंगलकारी मार्ग की ओर ले चलना, सत्य की ओर, अहिंसा की ओर, त्याग की ओर, साधना की ओर, यही जीवन का परम लक्ष्य हो सकता है। वो जो बड़ा बड़ा राजा साम्राज्य के बाद छोड़ दे, जंगल चला, चंद्रगुप्त तुम्हारे साम्राज्य हुआ जंगल चला गया, बुद्ध को साम्राज्य था छोड़ दिया जंगल चले गए, महावीर को राज्य था छोड़ दिया चले गए, हर्ष था बड़ा राज्य था साम्राज्य था, सब दान में बांट देता था खड़ा होकर के गंगा के किनारे, बड़े से बड़ा धनपति भी अपने आप को तुच्छ समझता था एक बैरागी के सामने। और भारत का जो बैरागी था, सन्यासी था, साधु था, महात्मा था, बड़े से बड़े राजा को भी अकिंचन ही समझता था, बड़े से बड़े राजा के निमंत्रण को ठुकरा देता था, संतन का सीकरी सो काम। अकबर बुलाता है साधु को तो साधु कह देता हमको सीकरी से क्या लेना देना है, तो कुम्भन दास फतेहपुर सीकरी में जाकर के कोई बड़ा स्थान मिल जाए इसकी अपेक्षा ही नहीं रखता, बोले बोले क्या कहना बताइए ना, ऐसे बात करता अकबर से। तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी धरती आध्यात्मिक है, धरती पवित्र है, हमने भक्ति का भाव जगाया है धरती के प्रति, तो आसान काम नहीं था, हमने आध्यात्मिक लौकिक और भौतिक इन दोनों बातों को एक साथ समन्वित रूप से जीने का यहाँ तंत्र विकसित किया है, जीवन विकसित किया है। और ऐसे हजारों लाखों उदाहरण देश में खड़े हुए जो बड़े बड़े धनपति थे लेकिन सब कुछ छोड़ देते हैं, एक तरह के तरह छोड़ देते हैं, राम और कृष्ण को छोड़ दीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को जब सरहिंद के किले की दीवार में वहां के नवाब ने जिंदा और चिनवा दिया और अगले दिन दोनों के शव निकल आए, तो दोनों का संस्कार कैसे हो, संस्कार होने के लिए जमीन भी देने को मना कर दिया उस नवाब ने, नहीं मैं जमीन नहीं दूंगा इन दोनों बच्चों के, कि दोनों ये तो काफिर थे और दोनों मृत बच्चे सामने पड़े, 9 साल के 8 साल के ऐसे बच्चे थे दोनों, तो उन्होंने शर्त रखा जो कोई एक जमीन ऐसी जिस जमीन पर सोने की मोहरें खड़ी करके बिछा देगा उतनी जमीन हम दे देंगे। ऐसा बताते हैं 750 किलो सोना उस जमीन पर लगेगा तब उतनी जमीन मिलेगी 10x10 फुट की, तब दोनों बच्चों की चिता बनेगी, तब संस्कार होगा। एक टोडरमल जैन वहां से आए, बोले हम करेंगे इस काम को, सारी संपत्ति बेच दिए, ला करके 10x10 फुट की जमीन खरीदा,
ऐसे करके सोने की मोहरें लगाया, उन बच्चों का संस्कार किया, सब छोड़ दिया उसने, नहीं सब बेकार है। और अपने नाम की इच्छा नहीं करी ना, गुरु गोविंद सिंह मिले तो बोले नहीं मेरे नाम की इच्छा नहीं, मेरे सम्मान की इच्छा नहीं, कुछ नहीं। इनका नाम था टोडरमल जैन। ये धरती ऐसे लोगों की है। अर्थात भौतिक उन्नति करेंगे लेकिन भौतिक उन्नति अंतिम लक्ष्य जीवन का नहीं हो सकती। अंतिम लक्ष्य धर्म है, अंतिम लक्ष्य अध्यात्म है, अंतिम लक्ष्य जो है वो लोक मंगल है। और ऐसे सैकड़ों जीवनों का परिचय जो है वो इस ग्रंथ में है। तो भारत को जानना, भारत का दर्शन करना यानी क्या है? यह किसी साम्राज्य का वर्णन भारत नहीं है, ध्यान में रखना है। यह पाश्चात्य दृष्टि है। रोम क्या था, सीजर का वो रोम क्या था, अलेक्जेंडर का वो रोम क्या था, फिलिप का वो ग्रीक कौन सा था, एथेंस की स्थिति क्या थी, स्पार्टा की स्थिति क्या थी। हम ये पढ़ते हैं हमारे ध्यान में आता है वो राज्य की सीमाएं कितनी थी, उस राजा की सेना कितनी थी, उस सेना में व्यक्ति कितने थे, उसके पास कोष कितना था। बंधुओं, इतिहास इतना मात्र नहीं है। इतिहास वही श्रेष्ठ है जो इतिहास लोगों को दिशा देता है। इतिहास में तो हजारों हजारों लाखों लोग हो गए, किस किस को याद करें? ये चयन करना, स्मरणीय कौन है। और इतिहास में केवल राजवंशों का स्मरण करना नहीं, इतिहास के अंदर जो जो श्रेष्ठ पुरुष हो गए, महापुरुष हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, जिनका जीवन लोक मंगल के लिए समाप्त हो गया, लोक मंगल के लिए जीवन जिनका रहा, साधना में ही जो रत रहे, लौकिक जीवन को उन्नति करते करते आध्यात्मिक की ओर चले गए, उस आध्यात्मिक भाव को प्राप्त करने के लिए इस लौकिक जीवन को छोड़ दिए, एक प्राप्त किए। और इसलिए विज्ञान भी रहेगा, भौतिक जगत भी रहेगा, लौकिक जगत भी रहेगा, लेकिन जो अंतिम नियति है वो भारत की, वो आध्यात्मिक है। भारत का दर्शन करते हैं तो समग्रता के साथ करिए। और इसे हम लोग कई मंदिरों को देखते हैं, हम जो देखते हैं एकलिंग जी का मंदिर है, या जगन्नाथ जी का मंदिर है, खजुराहो के मंदिर है, तो मंदिर में एक गति है। आप नीचे देखिए तो बच्चे दिखेंगे, कोई नृत्य करते हुए लोगों की मूर्तियां लगाए हैं, और ऊपर देखेंगे तो युवक युवतियां, और ऊपर देखें तो वैवाहिक जीवन, और ऊपर देखेंगे गया शिवत्व को प्राप्त करता है। यह मंदिर जीवन को दिखाते हैं, हमारा जीवन क्या है, जीवन की गति क्या है। यह ऊर्ध्व गति है, बच्चा पालने में झूठ रहा है, नीचे की प्रतिमाएं ऐसी दिखेंगी, बच्चे खेल रहे हैं ऐसा ही दिखेगा। और आगे बढ़े युवावस्था आ गई, और आगे बढ़े गृहस्थ जीवन आ गया, और आगे बढ़े वृद्धावस्था, और आगे बढ़े अध्यात्म हो गया, और आगे बढ़े शिवत्व में चले गए। ये जीवन की यात्रा दिखाते हैं ये मंदिर हमको। जीवन का हर पक्ष हमको ऐसे ही दिखता है, और इसलिए देश के प्रत्येक महापुरुष ने उसी पक्ष को वर्णित किया है। चाहे वो गांधी हो, चाहे महर्षि अरविंद हो, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर हो, स्वामी विवेकानंद हो, चाहे गुरु नानक देव हो, व्यक्ति कोई भी हो, इस देश में महापुरुष भी वही है जो इस समग्र जीवन को समग्रता में बताता है। वो छोड़ने को नहीं कहते, ये छोड़ो वो छोड़ो, नहीं छोड़ना नहीं है कुछ भी, अपने को सम्यक दृष्टि से आगे बढ़ना है। जितना आवश्यक उतना ले लो, बाकी का छोड़ दो, हमारा है ही नहीं। अर्थात यह ग्रंथ जब कहता है भारत का दर्शन, तो ऐसे लोगों के चरित्र को ला करके रखता है जो इस दृष्टि से जीते हैं, इस दृष्टि से लिखते हैं, इस दृष्टि से जीवन अपने को यापन करते हैं। तो वो राजा है, चाहे कलाकार है, चाहे वो साहित्यकार है, चाहे व्याकरणाचार्य है, चाहे वो साधु है, चाहे सन्यासी है, चाहे वीर सेनापति है, चाहे क्रांतिकारी है, कोई भी है, जिसकी दृष्टि है भारत, तो भारत सच में एक सत्य की भूमि है, भारत एक श्रद्धा की भूमि है, भारत एक तप की भूमि है, भारत एक अध्यात्म की भूमि है, सामान्य मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाने वाली भूमि है, भारत स्वर्ग को इस भूतल पर लाने वाली भूमि है, भारत सारे दुनिया को अध्यात्म का संदेश देने वाली भूमि है, भारत सारे दुनिया को शांति से लेकिन आनंद से कैसे जिया जाए ये दर्शन देने वाली भूमि है। उसका छोटा सा एक हमको दर्शन मिल जाए, ऐसा इस पुस्तक में उन्होंने
छोटा 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 संकलन करके बर्ड आई व्यू सारे भारत को ऊपर से कैसे देखेंगे, वो ऐसा दिखेगा। 10,000 वर्ष के इतिहास को, 15,000 वर्ष के इतिहास को हम छोटे से में कैसे देख सकते हैं। हर एक पृष्ठ के ऊपर 1,000 पृष्ठ का ग्रंथ लिखा जा सकता है, हर पृष्ठ के ऊपर, और वो अभीष्ट भी नहीं है, लेकिन एक सम्यक जानकारी मिल जाए इसलिए। लेकिन जगराम जी ने बड़ा परिश्रम के साथ यह कार्य किया है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, और बड़ी निष्ठा से किया है, और अपनी विलक्षण क्षमता का उसमें प्रदर्शन भी है। मैं तो नहीं जानता था इतने विलक्षण क्षमता वाले वे हैं, है ना। और मैंने प्रारंभ में ही निवेदन कर दिया, मैं अपनी न्यूनताओं को स्वीकार करता हूँ, भाई मैं महालापरवाह आदमी, मैं तो ऐसा कोई व्यवस्थित व्यक्ति रहा नहीं कभी, और मेरे कारण से उनको समय समय पर कष्ट भी बड़ा हुआ होगा। क्यों भाई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है भाई। तो मैं ये तो कहने की हिम्मत नहीं करता कि आप इसको पढ़िए, दर्शन करिए, और वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं इससे, और दो किताबें एक साथ हाथ में लेकर के उठाएं तो आपको डंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर भी उलट पलट के देखेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो इसमें से उलट पलट करके देखते देखते कहीं आपको ऐसा लग जाए उसका विस्तृत अध्ययन करना है, तो फिर विस्तृत किताब खोजिए, दूसरी पुस्तक खोजिए, उससे पढ़िए। इसमें समग्रता नहीं है, ये सांकेतिक है। चाणक्य तो 2 पृष्ठ में चाणक्य होगा, रामानुज तो 2 पृष्ठ में रामानुज होगा, तो 2 पृष्ठ में क्या, एक संकेत में कोई चीज अपने को मिल जाएगी। लेकिन आपको व्यापक चाहिए तो शंकराचार्य बड़ा पढ़ना है, तो 2 पृष्ठ में शंकराचार्य मान लो। ऐसे मैं कल्पना कर रहा हूं, यही है इसमें लगभग। तो इसलिए एक भारत को थोड़े से में हम पलट करके देख सकें तो ध्यान में आ जाएगा और गहराई से क्या पढ़ना चाहिए। तो भारत का दर्शन माने क्या, मैंने आपके सामने बहुत संक्षेप में रखने की कोशिश की, लेकिन इस भावना के साथ और अपेक्षा के साथ कम से कम इस ग्रंथ को आप अपने पुस्तकालय में संभाल करके तो रखिए, ठीक है जी। नमस्कार। हार्दिक आभार माने कृष्ण गोपाल जी, शब्दों में मैं न आपका और न ही उपस्थित महानुभावों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सचमुच प्रभात प्रकाशन अभिभूत है आपके आगमन से। हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि वो सामाजिक सांस्कृतिक हमारी विरासत को समृद्ध करने वाली पुस्तकों का प्रकाशन करें। आज प्रकाशित होने वाली 3 पुस्तकें उसी परंपरा की एक कड़ी हैं। भारत के गौरवशाली अतीत को रेखांकित कर स्वर्णमयी और यशस्वी भारत का निर्माण प्रशस्त हो, ऐसी कृतियां प्रकाशित करना हमारा एक लक्ष्य रहता है, मिशन रहता है, और आप सबके सतत मार्गदर्शन के कारण हम यह संभव हो पाता है हमारे लिए करना। मैं माननीय कृष्ण गोपाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, एक अभिभावक के नाते, एक मार्गदर्शक के नाते उनका स्नेह और मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। मैं अनुग्रहित हूँ आपके आने के लिए। आदरणीय अतुल भाई एक बड़े भाई के नाते हमेशा अपना एक मार्गदर्शन देते हैं, स्नेह देते हैं, हमें बताते हैं क्या प्रकाशन होना चाहिए, कैसा प्रकाशन होना चाहिए। वे आए, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। जगराम जी भाई सब, इसकी इस पुस्तक की परिकल्पना बहुत छोटे में हुई थी, शायद लगता था प्रारंभ में 200-250 पेज की पुस्तक बनेगी, परंतु विषय इतना बड़ा है कि उसको जैसा आदरणीय कृष्ण गोपाल जी ने कहा, एक बर्ड्स आई व्यू देने में भी ये पुस्तक इतनी बड़ी हो गई। तो मैंने उनको रोका, मैंने कहा इसका इससे ज़्यादा विस्तार करेंगे तो प्रकाशन ही नहीं हो पाएगा। परंतु उन्होंने बहुत अध्ययन किया, बहुत मेहनत की है, इसकी कम से कम शायद 4 बार हमने प्रूफ रीडिंग कराई, तब भी कुछ त्रुटि होगी तो उसको भविष्य में संस्करण में ठीक करेंगे। मैं जगराम जी भाई का अभिनंदन भी करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा संकल्प पूरा किया, आप सब यहाँ आए। मैं हृदय से आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आपका आना हमको संबल देता है। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का हार्दिक आभार, YouTube और Facebook के माध्यम से जुड़े श्रोताओं और दर्शकों का भी आभार, दीनदयाल शोध संस्थान के सभी पूरी टीम का आभार कि उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था दी। हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, मैं राजेंद्र जी से आग्रह करता हूँ कृपया वे आएँ और वंदे मातरम प्रस्तुत करें।
और कार्यक्रम के उपरांत यहाँ जलपान की व्यवस्था है, कृपया जलपान करके ही जाइएगा। धन्यवाद, आइए रहेंगे। कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजई धृत खर करवाले, अबला के नो माए तो बोले बहुबला धारिणीम नमामि तारिणीम रिपुदला वारिणीम मातरम वंदे मातरम। तुमि वेद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म, त्वं हि प्राणः शरीरे बहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति। तुमारोय प्रतिमा गौड़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणीं कमला कमल दल विहारिणीं वाणी विद्या दायिनीं नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम वंदे मातरम। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरिणीं वरिणीं मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय।